सुतियां भी कटी हुई सी बेचारियां। रात आया कजल अगला आके चले गया। छोटी सी सारे तो साढ़े घर की रौनक सी, ये भी रौनक सी अभी। किराए तो रहने बंद कमरा ना करके बच्ची रुते पाया इतने रही सी चौबी घंटे। मैनू भी पता सी ने आना मर जाने ने ते दोवे साड़ के चली आ जाना। साडा भाई बंद कमरा है, असी बच्ची नूं ते कलाया बच्ची दे नाल रहिंदी सी, उत्ते सौ सौ जांदी सी। साडी मूंह बोली भैण उह साडी भनेवी है जिहड़ी फौत हो गई है, उह रहिंदी ताबा दे नाल ही सी। इक घड़ी वी नहीं सी नाज़िन देखे के ऐसी दरिंदगी नहीं होनी चाहिए थी। उस शख्स ने ऐसी दरिंदगी की है कि आपको क्या बताएं। हवानियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, उस बंदे को ये नज़र नहीं आया कि 7 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको ये बच्ची भी नज़र नहीं आई। अच्छा माँ जी, तुसी एक मोहल्लेदार साड़ी भैन बनी नाली रहती सी मेरी बच्ची भी, जिते जाना इन्होंने दोवें ने जाना, जिते जाना इन्होंने दोवें ने जाना। सुतियां भी कटी हुई सी बेचारियां। रात आया कजल अगला आके चले गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी। तो वो बच्ची रात दिन इधर ही रहती थी? छोटी सी सारे तो साढ़े घर की रौनक सी, ये भी रौनक सी अभी। नाज़िन ये मोहल्लेदारी हैं और मुंह बोली ये दोनों बहनें बनी हुई थी, और इनकी दोनों की बच्चियां आपस में बहनें बनी हुई थी। मतलब जिस तरह मोहल्ले में होता है गांव एरिया में कि जी एक दूसरे के घर आना जाना और मोहब्बत होती है, प्यार होते हैं, मोहल्लेदार आपस में मतलब रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरह ये आपस में मिलजुल कर रहते थे और इनकी बच्चियां भी आपस में मिलजुल कर रहती थी और खेलती थी। मर गया फांसी होनी चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। नाज़िन बुरे हालात आप देख लें किस तरह का, मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई वाक्या सामने आ रहा होता है आए दिन। तो इनकी 7 साल बच्ची थी, तो इसको मतलब इतना उस बंदे ने ज़रा भी नहीं सोचा। यहाँ पे इस चारपाई के ऊपर बच्चियाँ दोनों लेटी हुई थी, इकट्ठी सोई हुई थी, और पेट्रोल फेंका है, फेंकने के बाद जो है ना फरार हो गया है, भाग गया है। क्या गलती थी इस खानदान की? क्या मतलब कोई पूछेगा किसी से इनके दिल में क्या गुजर रही है? जी किराए तो रहने बंद कमरा ना करके बच्ची रुते पाया इतनी रहती सी चौबी घंटे। मैनू भी पता सी ने आना मर जाने ने ते दोवे साड़ के चली आ जाना। अच्छा जदों ये वकूह होया तुहानूं किन्नी देर बाद पता चलिया? उसे टाइम सानू चीकां दी आवाज गई है, मेरा मियां हस्पताल लवाया, सस मेरी ठीक नहीं सी, उधर ही बेचारा आया, सस ने गलाया भी जा के सौ जा। सवेरे आई बेचारा सुता थकिया टुटा, 5-6 दिन बाद आया, 2 महीने हो गए सानू हस्पताल भजदे उहदे मगर अम्मी ने। उधर ही बेचारा आया ते इहो 2-2.5 दा टाइम चीकां दी आवाज आई ते मैं इहनू उठाया, मैं कहा रविया दे पापा रविया दे पापा। अम्मी दी छत तो चीकां दी आवाज आती, आ के वेख्या ते अग लगी, बच्चियां साड़ियां सड़ियां तड़फदियां। जदों अग लगी सी उस तों बाद तुहाड़ी बच्ची ने कोई गलबात कीती तुहाडे नाल के बिल्कुल खत्म हो गए सी उदों? नहीं, करदी सी बड़ियां सोहणियां गल्लां कर, पर तड़फदी बड़ा सी, बड़ा तड़फदी सी, वेख्या नहीं सी जदे सारे ही सड़ी सी, मां वी इत्थों वी। नाज़िन क्या कहें अब, हमारी अदलिया से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि उसने एक नहीं 2-2 जाने ली हैं, तो इसको सिर्फ जेल होना या फांसी का हुक्म दे देना, मतलब समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, चौक के अंदर फांसी दी जाए ताकि लोग दूसरे सीखें, इस इबरत से सीखें कि यार इस तरह की किसी को जो ना हरकत नहीं करनी चाहिए।
जब तक इस तरह का निज़ाम नहीं ना आएगा। मैं कहता हूँ चौक में एक दो बंदे लटका देना तो यकीन माने जो ये जुल्म हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ सीख लेंगे जो ऐसे दरिंदगी करते हैं ना, ये सब कुछ सीख लेंगे। ये हैवान जानवर हैं। तो मेरी अदलिया से यही दरख्वास्त है कि इनको इंसाफ़ दिया जाए। ये दो फैमिली हैं, दोनों फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। गलती ज़रा भी गलती नहीं है, ठीक है, दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। उसको फांसी दी जाए, बस यही दरख्वास्त है आपसे। तो बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।